जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता लोग जो वादा खिलाफी के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उन्होंने कहा मुझे सड़क पे आ जाओ, मेरे अतिथि विद्वानों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए, मेरे गुरुजनों के लिए अगर उनका कोई अपमान करेगा तो सिंधिया परिवार का मुखिया सड़क पे जरूर आएगा। और मैंने तय किया सड़क पे आकर या तो मैं रहूंगा या वो रहेंगे, पर मेरे अतिथि विद्वानों का और मेरे शिक्षकों का अपमान सिंधिया परिवार का मुखिया कभी सहन नहीं करेगा। और आज मुझे खुशी है जो भारतीय जनता पार्टी भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिक शक्ति के अनुरूप कार्य करती है, उस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने मेरे बार बार निवेदन करने पर हमारे अतिथि शिक्षकों की हर मांग को पूरा करने की कोशिश की है। मेरे भाइयों ने कांग्रेस के शासनकाल में कहा था उन्होंने कि हम 3 महीने के अंदर कदम उठाएंगे, 5 महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, 18 महीने निकल गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, शिवराज सिंह जी ने निर्णय लिया कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया नहीं जाएगा, डबल किया जाएगा, डबल किया जाएगा।